एक वो जमाना था जब 5 रुपए में 20 MB डेटा मिलता था, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, जिसे हम बड़े ही ध्यान से यूज़ करते थे। और आज 5 रुपए से कई ज़्यादा का नेट तो हम दोस्तों को हॉटस्पॉट से दान कर देते हैं। ऑल थैंक्स टू मिस्टर मुकेश अंबानी। सिम कार्ड्स का सही उपयोग करना कोई इनसे सीखे। गाइस आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते, और आपको गाइस अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितना कम पे कर रहे हो अपने इंटरनेट जो आप यूज़ करते हो उसके लिए, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। गाइस इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट जहाँ मिलता है वो इंडिया ही है गाइस, जो कि करीब 0.26 $ है 1 GB नेट के लिए, जो कि करीब 18 रुपीज़ के आसपास होता है 1 GB नेट के लिए। मतलब इंडिया में हर एक इंसान 1 GB इंटरनेट डेटा के लिए गाइस 18 रुपये पे करता है। गाइस सेकंड नंबर पे है किर्गिस्तान, जहाँ पर 0.27 $ है 1 GB नेट के लिए। और गाइस थर्ड नंबर पे यहाँ पर आपका कजाकिस्तान आ जाता है, जहाँ पर 0.49 $ है 1 GB इंटरनेट डेटा के लिए। और गाइस वहीं सबसे महंगी कंट्रीज़ में आ जाती है गाइस जिम्बाब्वे, सबसे महंगा मतलब जहाँ पे इंटरनेट डेटा मिलता है मोबाइल डेटा। मैं यहाँ पे गाइस मोबाइल डेटा की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मोबाइल डेटा सबसे महंगा जिम्बाब्वे में, और करीब 75 $ 1 GB के लिए। वहाँ तो मतलब क्या ही कोई नेट चलाता होगा, करीब गाइस 5,000 रुपये 1 GB के लिए कौन देगा। गाइस ये जो भी सर्वे है इंटरनेट डेटा को लेके, ये फोर्ब्स ने कंडक्ट किए हैं, और यहाँ पर सारी ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये फोर्ब्स से ली हुई है। तो गाइस ऐसा है कि जो 0.26 $ हम लोग इंडिया में पे कर रहे हैं 1 GB इंटरनेट के लिए, वो भी फोर्ब्स में ज़्यादा बताया गाइस। 0.26 $ से भी हम काफ़ी कम पे करते हैं गाइस। ये 0.26 $ का जो सम है ये एक एवरेज है। अब ये एवरेज ऐसे है कि गाइस अब इंडिया में गाइस बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, सिर्फ जियो एयरटेल या आइडिया वगैरह नहीं, बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं गाइस। और इन सब का जो भी इनके प्लान्स हो गए, मतलब उसको सबको एक एवरेज लेके, एक एवरेज इन्होंने यहाँ पे अमाउंट बनाया गाइस 0.26 $। तो इतना 1 GB का नेट, 1 GB के नेट के लिए हम लोग पे करते हैं, जो कि मतलब सारे के सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स का एक एवरेज है। अब गाइस फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिया में 18 रुपीज़ पर GB के हिसाब से हम पे करते हैं। तो गाइस इसका अगर हम हिसाब लगाएं तो यहाँ पे मज़ेदार कैलकुलेशंस होने वाली है, ज़रा ध्यान से देखिएगा गाइस। इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे जो जियो का 3 महीने वाला नेट पैक होता है गाइस 399 रुपीज़ का, जिसमें हमें 1.5 GB डेली मिलता है। तो इससे हम अगर इसे कंपेयर करें तो गाइस 18 रुपीज़ हमें 1 GB का मिलता है। तो यहाँ पे हम 1.5 GB के हिसाब से लगाएंगे तो गाइस 27 रुपीज़ हमारा एक दिन का इंटरनेट का प्राइस जियो चार्ज करता होगा इस हिसाब से। तो गाइस 27 रुपीज़ एक दिन का, उस हिसाब से गाइस एक महीने का 810 रुपये होता है। और वहीं अगर 3 महीने का लगाए तो गाइस 2430 रुपये। तो क्या आप 3 महीने का 2430 रुपये पे करते हैं? नहीं ना गाइस, हम पे करते हैं सिर्फ 399 रुपीज़। तो ऑब्वियसली गाइस फोर्ब्स में ज़्यादा बताया गया है, मतलब एवरेज ज़्यादा आए हैं, हम इससे बहुत कम पे करते हैं। अब जो गाइस हमारा 399 वाला प्लान है, अब उसके हिसाब से निकालते हैं कि हम 1 GB का कितना पे कर रहे हैं। वैसे तो फोर्ब्स ने 18 रुपीज़ बताया है, पर अब मैं दिखाता हूँ आपको गाइस हम कितना 18 रुपये से भी कम पे करते हैं 1 GB के लिए। तो गाइस 399 रुपीज़ का हम 3 महीने के लिए पे करते हैं, तो एक महीने के लिए वो हो गया गाइस 133 रुपीज़। अब जो गाइस ये 133 रुपीज़ है वो एक महीने में हम लोग पे कर रहे हैं। तो गाइस एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 से डिवाइड कर दो तो गाइस एक दिन में हम लोग 4.43 रुपीज़ गाइस करीब करीब हम प्रॉस लगा लें तो 5 रुपये हो गया एक दिन का। तो गाइस ये लगा लो हम 5 रुपये पे करते हैं 1.5 GB नेट के लिए, और फोर्ब्स ने बोला है कि हम 18 रुपीज़ पे करते हैं 1 GB नेट के लिए। तो गाइस हम जब 1.5 GB के लिए 5 रुपये पे करते हैं, तो उस हिसाब से अगर लगाया जाए तो गाइस हम 1 GB के लिए 3.3 रुपीज़ हम पे करते हैं। तो गाइस जियो के अकॉर्डिंग हम लोग 3.3 रुपीज़ पे करते हैं 1 GB नेट के लिए, और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग गाइस हम लोग 18 रुपीज़ पे करते हैं 1 GB नेट के लिए। तो गाइस फोर्ब्स ने यहाँ पे कहा था कि 1 GB का इंडिया में लोग 18 रुपीज़ पे करते हैं, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ 3.3 रुपीज़ पे करते हैं 1 GB का। तो ज़रा देखते हैं गाइस, मैं भेजता हूँ ज़रा फोर्ब्स में डेटा, CEO बनाते हैं मुझे, देखते हैं गाइस। इस सब के बाद एक आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ गाइस, कि इंडिया में इतना सस्ता नेट होने के बावजूद गाइस इंडिया में सिर्फ 45% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं गाइस, और बाकी ये 55% इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है गाइस। आई थिंक कि ये लोग वो हैं शायद जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं गाइस, जहाँ पर मतलब इतनी नॉलेज है नहीं, और जो गाइस थोड़ा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जैसे कहीं पर गाँव वगैरह हो गया कहीं दूर। और आई बिलीव कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंडिया आज एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है गाइस।
गाइज और कुछ भी नहीं तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में जो इंटरनेट यूजर्स की परसेंटेज है वो कहीं ज़्यादा है इंडिया से। गाइज मैं आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ का बताता हूँ, जैसे कि गाइज यूएस है, गाइज वहाँ पे 75% यूजर्स हैं इंटरनेट के, और गाइज जापान में 90%, रशिया में 76%, जर्मनी में 84%, गाइज लगा लो गाइज ये इंडिया में सिर्फ 45% है, कितना ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया से। गाइज यूके में 94%, ये यूके यूनाइटेड किंगडम्स है गाइज, उत्तराखंड नहीं, यूके में 94%, साउथ कोरिया में 96%। गाइज फर्स्ट रैंक पे जहाँ पर इंटरनेट यूजर्स की परसेंटेज है 98.8%, गाइज ये कोई कंट्री है एंडोरा, मैंने इसका नाम भी पहली बार सुना है एंडोरा, पता नहीं कहाँ होगी ये कंट्री, देखा नहीं मैंने। और गाइज जो बॉटम की कंट्री है जहाँ पे बहुत ही कम यूजर्स है गाइज, उसमें आ जाता है गाइज बांग्लादेश 18%, नेपाल 21%, गाइज पाकिस्तान तो इन सबसे गया मात्र 15% यार। अब गाइज कुल मिला के बात ये है कि जो इंडिया में डेटा इतना सस्ता मिलता है वो भी जियो की बदौलत मिलता है, तो वंस अगेन थैंक्स टू मिस्टर मुकेश अंबानी। तो क्या इतने सस्ते इंटरनेट प्लान्स के साथ क्या जियो को नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं गाइज, जियो फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है जियो को लेके। तो गाइज मिस्टर मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है उसमें गाइज जियो का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वो नेटवर्थ इतनी है कि पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी को 10 बार मुकेश अंबानी जी खरीद के बेच सकते हैं। ये तो बस मैंने एक एंटिसिपेशन के लिए बताया है, कोई ऑब्वियसली ऐसा क्यों करेगा। गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ी नॉलेज आप इसके थ्रू गेन कर पाए होंगे कि इंटरनेट प्राइसेस क्या हैं पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर इंडिया गाइज टॉप करता है इस लिस्ट को, जहाँ पर सबसे सस्ता प्लान इंडिया में ही है। तो गाइज अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, आपको ऑसम टेक वीडियोज़ देखने के लिए मिलेगी, नॉलेजेबल टेक वीडियोज़ देखने के लिए मिलेगी। तो गाइज मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।